आगे जो बड़ी चर्चा है वो मदरसा की है और वक्फ बोर्ड के सर्वे की है, आपकी इस पर क्या राय है? ये आपके पड़ोसी राज्य में हो रहा है। देखिए यहां भी शुरू हो गया, उत्तराखंड में भी मदरसों के सर्वे में दिक्कत क्या है। हमारे गुरुकुल का सर्वे किया गया, हमारी योगपीठ का सर्वे किया गया, स्वामी रामदेव की पूरी जन्म पत्री खगा ली गई, जबकि मैंने मेरी जन्म पत्री बनी हुई नहीं है, गांव तक पहुंच गए। बाबा रामदेव को चारों तरफ से खोजा, चारों तरफ से अग्नि परीक्षा ली, ठोका खूब जोर से, तो ठोक पीट करके सर्वे होने से इसमें दिक्कत क्या है? जब किसी ने गुनाह नहीं कर रखा, कोई इलीगल इमोरल काम नहीं कर रखा, तो डर किस बात का? तो मदरसों का सर्वे हो, मैं तो कहता हूं जो ईसाइयों के जो चर्च चल रहे हैं, उनके भी जो कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, उनके जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनका भी सर्वे होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? एक एक जगह क्यों? सबके लिए ओपन होना चाहिए। और जो आरएसएस से जुड़े शिक्षा संस्थान है उनका सबका होना चाहिए, पतंजलि का भी हो, आरएसएस का भी हो, आर्य समाज का भी हो, सब मत संप्रदायों का कर लो। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना, पारदर्शिता ही तो इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये जो वक्त का जो सर्वे हो रहा है, क्या ये पूरे देश में होना चाहिए? क्योंकि अगर आप देखें तो करीब 18 लाख एकड़ जमीन जो है वो सेना के पास है, 12 लाख एकड़ रेलवे के पास है, 8 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास, तीसरे नंबर पर है मतलब लैंड होल्ड करने। हाँ। और उसमें ऐसा सुना है कि बहुत सी जगह इन्होंने नाजायज कब्जे कर रखे, नाजायज कब्जा किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो बात मैं कहता हूं सर्वे में दिक्कत क्या है? यदि गलत नहीं कर रखा वक्फ बोर्ड वालों ने तो फिर समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है। तो समस्या इतनी सी है कि कुछ लोग गलती करके और फिर जो है दूसरों को धमकाते, वो गलत है। तो डराना धमकाने वाला काम नहीं होना चाहिए, सर्वे के नाम पर भी नहीं होना चाहिए और वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग गलती करके धमकाते हैं या ऐसे भी लोग हैं जो धमकाते हैं और फिर गलतियां करते हैं? देखो अब आप बहुत समझदार होशियार पत्रकार हो, इसलिए मैं ज्यादा तो आपकी बातों में उलझूंगा नहीं, लेकिन इतना मैं कहता हूं ना मैं डरता हूं ना मैं डराता हूं। मजबूरी है, हम क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूं, मैं अभी आपको बताती हूं कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।